नैनी साहब, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं कि आज मैं क्या करने वाली हूं। आज मैं व्लॉग में बताऊंगी कि आफ्टर प्रेगनेंसी आप खुद का स्टाइल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी हम कपड़ों की तरफ देखते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, तो ऐसा लगता है यार मैं क्या पहनूं, मैं बाहर जा रही हूँ, खुद को स्टाइल कैसे करूं। तो चलिए, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा और मैं भी अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह मैटरनिटी वियर सर्च कर रही है, सोच रही है कि मैं किस तरह के कपड़े लूं। वैसे तो देखो, आजकल सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में थोड़े कंफर्टेबल, स्ट्रेचेबल, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, बिकॉज डॉक्टर्स भी आपको यही सजेस्ट करते हैं। तो चलिए, लेकिन खुद को स्टाइल भी करें अपन। ऐसा होता है ना कि प्रेगनेंसी में लगता है कि मैं कुछ भी पहन रही हूँ, मेरे पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में भी आप खुद को स्टाइल कर सकते हो और ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। मैंने कुछ मैटरनिटी वियर नए खरीदे हैं और कुछ मैंने मेरे पुराने क्लोथ्स को ही वापस से स्टाइल किया है कि मैं किस पे क्या पहनूं इन प्रेगनेंसी, ताकि मैं स्टाइलिश भी लगूं और मैं एज यूजुअल कंफर्टेबल भी रहूं, मैं भी कंफर्टेबल रहूं और मेरा बेबी भी कंफर्टेबल रहे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भी आपको यही बोलता है कि कपड़े जो भी पहनो, बस आपको पता होना चाहिए कि वो टमी पे ना, अगर इलास्टिक के निशान अगर आपके हो रहे हैं, इसका मतलब वो कपड़ा बहुत ही डिसकम्फर्ट है, तो वो प्लीज आप ना पहने, क्योंकि वो बेबी के लिए भी सही नहीं है। तो बस चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि इन प्रेगनेंसी आप कैसे खुद को स्टाइलिश बना के रख सकते हो और किस तरह के कपड़े आप खरीद सकते हैं। एंटेना, तो चलिए, बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज भी मैंने निकाल दी है। तो मैटरनिटी वियर जब आप सर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले ना मम्मियों की एक बात को ध्यान में रख लो। बचपन में सुना होगा ना कि अगर हमारे 7 नंबर का जूता है तो मम्मी 8 नंबर लेगी, और अगर हमारा साइज एम है तो मम्मी एल ही लेने वाली है। तो बिल्कुल आपको यही करना है आपकी प्रेगनेंसी में। जी हाँ, क्योंकि जो कपड़े आपको 4th, 5th या 6th मंथ में आ रहे, हो सकता है वो 7th, 8th और 9th मंथ में ना आए। तो सबसे पहले जब भी आप कुछ ले मैटरनिटी वियर में, तो आप अपना एक साइज बड़ा ले या 2 साइज बड़े ले, ताकि आप कंफर्टेबली उसे एंड तक वियर कर पाए, इवन जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद भी आप उसे पहन पाओ और आप स्टाइलिश भी लग पाओ एज यूजुअल। तो मैंने कोशिश की कि जब अगर मैं कॉटन के कुर्ते खरीदती हूँ, तो मैं इस तरह के कुर्ते खरीदती हूँ जिनके साथ मैं दुपट्टा भी वियर कर लूँ, जिनके साथ मैं बेल्ट से एक वेस्टर्न वियर लुक देते हुए उसे वन पीस भी बना दूँ, जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है, और इसी को मैं लेगिंग के साथ पहन के, दुपट्टा लगा के, थोड़ा सा यू नो इंडियन लुक भी दे सकती हूँ। तो दोनों ऑप्शन लेके चले, और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ना कॉटन के ये लूज कुर्ते रहने वाले। सीरियसली, इसे आप बिना बेल्ट के पहनोगे तब भी अच्छे लगोगे, और अगर आप बेल्ट के साथ इसको वियर करते हो तो भी आप अच्छे लगते हो। इवन मैंने इसे बहुत लूज पहना, ऐसा नहीं कि ये टाइट है, और बहुत ही कंफर्टेबल सा लुक दे रहा है। इवन ये फोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब प्रेगनेंसी फोटोशूट में भी आपकी यही ड्रेसेस जो है वो काम आ सकती है। तो ये तो एक कुर्ता हो गया। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ कि अगर आप बाहर कहीं पार्टी में जा रहे हो, उस टाइम आप खुद को कैसे कैरी कर सकते हो, कैसे खुद को स्टाइलिश दिखा सकते हो इन प्रेगनेंसी। तो अब मैंने खुद को लुक दिया है एक हाई नेक सी फ्रॉक ड्रेस के साथ, लॉन्ग गुड को मैंने लुक किया है। और लॉन्ग गुड मुझे इसलिए पसंद है कि कोई भी अगर फ्रॉक वाली ड्रेसेस है ना, तो उसको एकदम परफेक्ट लुक दे देता है। और अगर आप हाई नेक कोई भी ड्रेस पहनते हो, तो आप कोशिश करो कि आप एक पोनी बना लो या पीछे बाल बांध लो या कुछ भी लाइक ऐसा, बिकॉज हाई नेक वाले में अगर आप मोस्टली बाल अगर खुले रखते हो तो इतना अच्छा लुक नहीं देता जितना कि पोनी अच्छा लुक देती है। सो मैंने यही किया है, और फ्रॉक ड्रेसेस मेरी सबसे फेवरेट है इन प्रेगनेंसी स्पेशली अभी इन दिनों, बिकॉज होता क्या है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल सा फील भी करते हो और एक अच्छा सा लुक भी आपको मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और लॉन्ग बूट इसलिए बिकॉज विंटर में आपको ठंड भी नहीं लगेगी, आप इसके नीचे जैगिंग भी वेयर कर सकते हो। अगर आपको बाहर नहीं ऐसी जगह जाना है जहां पे ठंड है, तो आप कोशिश करो कि जैगिंग पहनो और उसके ऊपर आप ड्रेस पहनो, फ्रॉक ड्रेस जो भी आपके पास है, और उसके बाद आप लॉन्ग बूट पहनो, तो ये लुक परफेक्ट हो जाता है, आप ऐसा आपको ठंड भी नहीं लगती। तो ये है आज का पार्टी वेयर लुक। तो पार्टी वेयर लुक इसलिए क्योंकि जब भी आपको कहीं ऐसी जगह जाना होता है कि मान लो अभी क्रिसमस गया, मान लो अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो ऐसे में भी आप इस तरह की ड्रेसेस पहन सकते हो जो ऊपर से आपको फिटिंग वाला लुक दे और यहाँ यानी कि टमी से आपको बहुत ही कंफर्टेबल और लूज लगे, और प्लस मतलब एकदम से आपको ऐसा नहीं लगे कि आपने कुछ ऐसा पहन लिया है जो बाहर आप बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हो, ऐसा कुछ भी। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा है, मैंने जूडियो से लिया था, जूडियो का स्टफ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में बिकॉज विंटर है, तो आप इस तरह से कोट कैरी कर सकते हो, लॉन्ग कोट। आपको पहन के भी दिखा देती हूँ कि इसके साथ भी कैसा लुक देता है, बिकॉज ये भी बहुत प्यारा लुक देता है लॉन्ग ड्रेस पे लॉन्ग कोट। जी हाँ, अब देखो, तो इस तरह से खुद को मैंने कुछ स्टाइलिश किया, ये थोड़ा सा आपने ऐसे सेट किया, एंड देन तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छा लुक दे जाता है। यस,
तो पार्टी वेयर के लिए वो भी विंटर में आप इस तरह से लुक को कैरी कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ आप कोई भी अपना वन पीस ड्रेस, ऐसा ड्रेस जो बहुत ही लूज हो, बहुत ही कंफर्टेबल हो, उसको आप है ना इस तरह से लॉन्ग कॉट के साथ कैरी कर सकते हो। और जैसे कि डॉक्टर भी मना करते हैं हील आप ना पहनो, बहुत कम अगर हील है तो आप पहन सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि कंफर्टेबल शूज और स्लीपर्स कुछ स्टाइलिश से वैसे पहनो। मैंने अभी हील पहनी है, पर उसकी ना ऐसे कोई बहुत ऐसे नहीं है, बहुत कम हील है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो और आपके बेबी भी कंफर्टेबल रहे। तो ये वाला लुक मैंने आलिया भट्ट से इंस्पायर होकर लिया है। आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी में मैंने देखा कि उसने बहुत सारे इस तरह के ड्रेसेस पहने थे, तो देखो आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, प्लस कहीं से भी आपका टमी शो ही नहीं होता है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं और आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो ऐसे में आप इस तरह के ड्रेसेस कैरी कर सकते हो पार्टीज में, फंक्शंस में। और इसको मैंने कैरी किया है लॉन्ग बूट के साथ, इसमें शूज भी आप पहन सकते हो, शूज बहुत अच्छे लगते हैं। और स्पेशली मतलब मैं बोलना चाहूंगी मैटरनिटी में ना इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रखते हैं, मतलब जब तक आप खुद स्टाइलिश नहीं लगोगे आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो भी मैटरनिटी वियर है या जो भी मेरे मैं शॉपिंग कर रही हूँ वो कुछ इस तरह का हो कि उसे बैठ के पहन के ना मैं कॉन्फिडेंट भी फील करूँ एट द सेम टाइम, और मैं कंफर्टेबल भी फील करूँ, यानी कि मुझे भी अच्छा लगे और मेरे बेबी को भी अच्छा लगे। और ऐसी फ्रॉक ड्रेसेस मैंने बहुत सारी ली है, मैं सारी आपको नहीं दिखा पाऊंगी, तो चलिए एक एक करके कुछ और कलेक्शन दिखाती हूँ। तो अब बारी है जंप सूट की। तो मैंने ना अभी तक तो दो तीन ही जंप सूट लिए हैं, और जंप सूट बिकॉज बहुत कंफर्टेबल होते हैं और प्लस देखो लुक भी अच्छा दे रहे हैं, तो मैंने इसे कैरी किया है ब्लैक बूट्स के साथ। और सच बताऊं जंप सूट्स वाकई बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आप डायरेक्ट इनको वेयर कर लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जंप सूट में ना कहीं भी आप कहीं जा रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, आप इसके ऊपर विंटर में जैकेट पहन सकते हो, आप लॉन्ग कॉट भी पहन सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लुक देगा। प्लस आप डेनिम का जैकेट ऑफकोर्स कैरी कर सकते हो, बिकॉज डेनिम का जैकेट ऑलवेज है ना मतलब बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, कोई सा भी सीजन हो, डेनिम जैकेट मुझे बहुत पसंद है बेसिकली। तो मैंने ना इसकी वजह से बाजू ना बहुत लॉन्ग टाइप ऐसे थी, बट मेरे को हमेशा से पसंद है कि थोड़ा सा ना इनको मैं इस तरह का लुक दूं, तो मैंने इसको ऐसे करके और यूं कर दिया है। तो फिलहाल ये कुछ इस तरह का लुक दे रहा है, कंफर्टेबल लुक भी दे रहा है। इवन जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेगनेंसी का फोटो शूट है तो आप वो भी कर सकते हो और इसी ड्रेसेस में, वो भी बहुत प्यारा लगने वाला है। तो जब बात डेनिम जैकेट की करी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको लुक करके बताई दूं। तो ये मैंने जंप सूट के ऊपर पहना है डेनिम जैकेट, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि डेनिम जैकेट आप ऑलवेज पहन सकते हो, हर चीज पे डेनिम जैकेट हर सीजन में अच्छा लुक देता है, तो स्टिल मैंने कुछ इस तरह से इसको कैरी किया है। हालांकि ये पहले का है तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लूज लेना चाहिए अगर अभी मुझे वापस से लेना है या मुझे लुक करना है इसको, बट स्टिल ये ऐसा नहीं है, अभी भी काम आ ही रहा है, तो ये कुछ इस तरह का लुक देगा। यस गाइस, चलिए कुछ और आपको स्टाइल करके दिखाती हूँ। तो इस तरह के लॉन्ग स्कर्ट के साथ ना आप कोई भी टॉप, कोई भी टी शर्ट, कोई भी अगर ऐसा टॉप जो पहले आप पहनते थे उसको भी इसके साथ कैरी करके आप एक अच्छा सा लुक कैरी कर सकते हो। प्लस ये बहुत कंफर्टेबल है, इसका इलास्टिक ऐसा रखें आप जब भी आप खरीदें कि आपका साइज हमेशा, आप जैसे मैं बोल रही हूँ एक या दो साइज बड़ा ही खरीदो, बिकॉज इसमें बहुत जरूरत है कि आपकी इलास्टिक के निशान आपकी टमी पे ना बने। और वैसे इस वाले स्कर्ट में मैंने नोटिस किया अभी कि मेरा टमी बहुत अच्छे से शो कर रहा है, तो मैं मेरे फोटोशूट में भी इसे पहन सकती हूँ। तो लॉन्ग स्कर्ट का एक पर्पज ये भी मेरा सॉल्व हो जाएगा, और आप भी अगर खरीदो तो ये सॉल्व हो जाएगा कि अगर आप जब भी प्रेगनेंसी का फोटोशूट करवाओ तो इसमें टमी बहुत अच्छे से शो करेगा। और फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह का लुक ये दे रहा है। तो ये है मेरा आज का लास्ट लुक। और देखिए विंटर में जब भी आपको खुद को लुक करना हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्वेटर खरीद रहे हो या स्वेट शर्ट्स भी खरीद रहे हो या आप वुलन वाला कोई भी अगर ऐसा क्लॉथ आप खरीद रहे हो तो वो लूज ही खरीदो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लूज क्लॉथ्स बहुत अच्छे रखते हैं, मतलब बात प्रेगनेंसी की नहीं है, मुझे वैसे भी ना लूज क्लॉथ्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक लूज हुडी भी बहुत पसंद है। और मैं जैकेट भी जब भी लेती हूँ विंटर में मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही लूज लूज सा लूँ, बिकॉज वो बहुत प्यारा लुक देता है। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं ये जो शूट कर रही हूँ मैं ये कर रही हूँ नाइट में। यस, ये वो इसलिए उस दिन भर मेरा ऑफिस रहता है, घर ऑफिस, तो इसके बाद मुझे टाइम मिलता है नाइट में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी व्लॉगिंग है, अगर मैं डेली रूटीन दिखा रही हूँ तो अलग बात है, और अगर मैं कोई ऐसा शूट कर रही हूँ तो मैं रात को ही अपना सेटअप वेटअप लगा के लाइटिंग एंड ऑल दैट मैं रात को ही शूट करती हूँ। और फिलहाल मैंने बैग और ये जैकेट इसलिए लिया बिकॉज मैं जा रही हूँ बाहर। यस, आपको देखिए लग ही रहा होगा कि मैंने इस तरह से खुद को रबड़ क्यों लिया है। तो चलो मैं बता देती हूँ कि आप जैकेट के साथ खुद को कैसे लुक कर सकते हो।
यस गाइस, ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं लूज क्लॉथ खरीदूँ, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात अगर आपको बता देती हूँ, आप ना अपने घर में भाई है, पापा है, मैं बोलूंगी हस्बैंड है, तो उन लोगों की हुडीज और ये सब भी ट्राई करो, जैकेट्स वगैरह, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मैंने बहुत बार देखा है कि गर्ल्स को ना बॉयज की हुडी बहुत पसंद आती है, और मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और ये जैकेट भी गाइस मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, बिकॉज ये थोड़ा लूज सा है। मेरा जो जैकेट है वो थोड़ा अभी मुझे टाइट हो गया है इन दिनों, इन प्रेगनेंसी मतलब, तो मैंने अभी उन्हीं का पहनना शुरू किया, बिकॉज ये बहुत प्यारा लुक देता है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको विंटर में इन प्रेगनेंसी कुछ पहनना है तो स्वीट शर्ट से अच्छा कुछ अच्छा ऑप्शन ही नहीं हो सकता। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं बाहर जाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, कुछ खाने के लिए जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आगे भी आप मेरे ब्लॉग्स का वेट करते रहिए, और प्लीज गाइज प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो। बाय बाय।